करनाल के घरोंडा की नई अनाज मंडी में आड़तियों ने लगातार 20 दिनों तक दोपहर को प्रतिदिन भंडारे का आयोजन कर मानवता सेवा का कार्य किया है। यहां आपको बता दें कि लोगों की सेवा के लिए भंडारे लगाना हमारी संस्कृति का प्रतीक रहा है, जो मंडी आड़तियों ने लगातार किया है। 20वें दिन अनाज मंडी के आड़ती पवन गुप्ता की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में प्रतिदिन हलवा पूरी चावल व 2 से 3 सब्जियां बनती रही हैं। इसी दौरान प्रतिदिन भंडारे में 2 से 3 हजार लोगों ने भोजन किया, जिसमें मंडी में कार्यरत सभी मजदूरों, किसानों, आड़तियों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। घरोंडा मंडी एसोसिएशन के प्रधान रामलाल गोयल ने कहा कि यह बड़े ही सौभाग्य रहा है कि एक धान के सीजन में लगातार प्रतिदिन 20 दिनों तक घरोंडा मंडी के मार्केट कमेटी कार्यालय में आड़तियों की ओर से भंडारे का आयोजन कर मानवता सेवा के पुण्य का कार्य किया गया है। एक दिन विचार आया कि क्यों ना अनाज मंडी में धान के सीजन में किसानों, मजदूरों व अन्य के लिए प्रतिदिन भंडारा लगाया जाए, जिसके लिए सभी आड़ती साथी आगे आए व प्रतिदिन बदल बदल कर मंडी आड़तियों ने भंडारा लगाया। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। हमारा आज जो भंडारा था वो 20वां भंडारा था जी। और ये आप लोग भी देख ही रहे, जैसे कोरोना काल चला हुआ था और पीक सीजन जो एकदम से सरकार की जो ये गलत नीति आई थी उसके चलते माल जो रुका हुआ था, एकदम से पीक सीजन आया तो हमारी बात हुई सेक्टरी साहब से, हमारे भाई इस सीज़न में ऐसा देखने को मिला हमारे को कि बहुत ज़्यादा लेबर वाले किसान भाई, मुनीम भाई, किसी को भी टाइम नहीं था, एक मिनट का भी टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं थी देखने की भी, खाने की तो बात बहुत दूर की है। तो सब भाइयों के दिमाग में एक बात आई तो क्यों ना एक भंडारा रूपी जो प्रसाद है वो मार्केट कमेटी परिसर में लगाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और वो एक पूरे हमारे जो मंडी एसोसिएशन के आड़ती भाई हैं, हमारे राइस मिलर भाई हैं, हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं, उनका हमारे को भरपूर सहयोग मिला, तन मन धन से उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा टाइम दिया और भंडारा हमारा सफल रहा। इसमें माता रानी की कृपा रही कि किसी भी प्रकार के इतने बड़े आयोजन में हर रोज़, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम भी जो हमारे उसमें आया, जैसे हमारा राशन लगता था उससे आइडिया लगाया हमने, वैसे गिनती नहीं कर सकते इस चीज़ की, तो उससे एक आइडिया जो लगाया हमारा, 3 से 3.5 हजार आदमियों ने यहाँ पे भोजन किया है। कि आज से पहले नहीं चलाया गया था ये, इसी वर्ष क्यों चलाया गया? ये इस बार बस दिमाग में आया, जैसे हमारे गुरु जी हैं बाबा बंसी वाले, जैसे अभी हमारा चुनाव था, आप लोग थे साथ में, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा दिक्कत आ गई, कोरोना हो गया, तो उन्होंने बात की मेरे से तो वो बोले कब ठीक हो गया, मैं कहा हाँ जी, तो मंडी में कल पहले भंडारा शुरू करके तब अपना काम शुरू करना है। तो सबसे पहले जब भी मैं मंडी में आया तो पहले दिन ठीक हो के तो भंडारा लगाया, उसके बाद फिर हमारा सब भाइयों का, सुरेश मित्तल जी है, डॉक्टर साहब है, सुबे सिंह जी है, धीरज भाटिया जी है, चूक साहब हमारे, जितने भी सारे भाई है, पवन जी, मिल के सब ने एक बनाया, ये भंडारा चलना चाहिए, पूरे सबके सहयोग से, खाली ये एसोसिएशन के नहीं, सारे भाइयों के सहयोग से भंडारा चला और इसमें अधिक से अधिक लोगों ने इसका लाभ। ये तो आज हम भी यही बात सोच रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ ये माता रानी का और ठाकुर जी का और बाबा बंसी वाले का आशीर्वाद रहा, तो अभी तक भी हमारे को, जैसे आज समापन था, बढ़िया समापन हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमारे को तो सुनने में किसी को आया नहीं कि किसी को बुखार हो गया या किसी को कोरोना हो गया या किसी को डेंगू हो गया, ये तो सिर्फ ऊपर वाले का ही वो सब। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.